प्रेवलेंस एंड कोमोबिडिटी ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। जब हम प्रेवलेंस की बात करते हैं तो दैट्स मीन कि ये कितना प्रिवेल कर रहा है डिफरेंट जेंडर्स में और जनरल पॉपुलेशन में। सेकेंडली, जब हम कोमोबिडिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये डिसऑर्डर और कौन से डिसऑर्डर्स के साथ को एग्जिबिट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जब हम DSM-5 में देखते हैं तो दे सेट के 1 ईयर जो पॉपुलेशन है उसके अंदर 2% to 10% जो है वो एस्टिमेटेड रेंज है। अगेन, ये जो डाटा है ये US का डाटा है, ये पाकिस्तान का डाटा नहीं है। इसी तरह जो प्रेवलेंस रेट है, यानी ये प्रॉब्लम किस तरह ज़्यादा डेवलप होता है, तो वो कहते हैं कि चाइल्डहुड से एडोलसेंस की तरफ जाता है ये। ठीक है, इसी तरह इसका हायर रेट जो है वो मेल्स के अंदर होता है और फीमेल्स के अंदर एज कम्पेयर टू मेल कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो लेस होता है। इसी तरह वो कहते हैं कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो बेसिकली कंडक्ट डिसऑर्डर के लिए ट्रीटमेंट रिसीव करते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत कम बच्चे ट्रीटमेंट रिसीव करते हैं तो दैट्स मीन कि बेसिकली जो प्रेवलेंस रेट है वो हम वहाँ से डिटरमिन कर रहे हैं, उन केसेस से डिटरमिन कर रहे हैं जो रिपोर्टेड हैं। इसी तरह अगर हम कोमोबिडिटी की बात करें तो ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है उसके साथ कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो देखने में आया है। क्यों? क्योंकि जो ADHD है वो भी डिस्ट्रप्टिव बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की एक फॉर्म है, तो इसी वजह से जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर एक बच्चा है उसके अंदर अटेंशन डेफिसिट है या हाइपर एक्टिविटी है, बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो बच्चा जो है वो कंडक्ट डिसऑर्डर भी एग्जिबिट कर सकता है। इसी तरह ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर जो है वो अगर एक बच्चे के अंदर है जो कि माइल्डर फॉर्म होती है एक तरह से कंडक्ट डिसऑर्डर की, तो सर्टन टाइम ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर बिफोर एज 10 जो है अगर तो वो ट्रीट हो जाए तो वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर वो अनट्रीटेबल रहे, अनमैनेजेबल रहे, तो सम टाइम कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन बहुत से लर्निंग डिसऑर्डर्स जो हैं उनके वजह से भी बच्चे के अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर के इशू देखने में आए हैं, और ये देखा जाता है कि जो बच्चे हैं जिनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं उनके अंदर एग्रेशन लेवल हाई होता है और वो डिफरेंट किस्म के कंडक्ट डिसऑर्डर्स जो हैं वो एग्जिबिट करते हैं। इसी तरह एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ समटाइम जो कंडक्ट डिसऑर्डर है वो एग्जिबिट होता है। डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर में भी कहा जाता है कि कंडक्ट डिसऑर्डर एग्जिबिट करता है। सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर खासतौर पर ऐसे बच्चे टीन एजर्स जो होते हैं जो कि अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो आमतौर पे कहा जाता है कि उनके अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो देखने में आया है। बट वी डोंट नो कि पहले कंडक्ट डिसऑर्डर होता है और बाद में सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, या सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर की वजह से कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि इसकी वजह से ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। इट जस्ट मीन कि अगर एक बच्चे के अंदर सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर है तो वी नीड टू बी चेक के उसके अंदर कहीं कंडक्ट डिसऑर्डर के फीचर्स तो नहीं हैं। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा अगर कंडक्ट डिसऑर्डर एडोलेसेंस में है और बच्चा जो है वो 18 साल से ज़्यादा का हो गया लेकिन वो मैनेजेबल नहीं हो सका, तो इट माइट पॉसिबल कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी टाइप में कन्वर्ट हो जाए। तो ये भी चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर सम टाइम हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर।